शेयर जरूर करना भर भर के। सो बाय, अब मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, दिल दिन बाय बाय बाय। तो सबसे पहले हम लैक्मी की पीच मिल्क मॉइस्चराइजर लगाएंगे। इसमें फिर लैक्मी की स्क्रिंट वाली हम लगा रहे हैं सन। जाओ जब तक टीवी देख लो और उधर का पंखा बंद करके आओ। अगर आपकी स्क्रीन जो है ड्राई है तो आप ये लगाइए। इसमें है ब्लर परफेक्ट लैक्मी एब्सोल्यूट का लगाइए, क्योंकि ये जो है ये ड्राई स्किन को सूट करती है, क्योंकि इसमें क्रीमी टेस्टर है। और अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप ये ब्लू हेवन का लगाइए, क्योंकि ये जेल बेस है और मुझे थोड़ा ग्लोई मेकअप अच्छा लगता है, सो मैं ये लगा रही हूँ। जाओ, यहाँ मैं ले रही हूँ फिटमी का। आप चाहें तो आपको दो और ऑप्शन दे सकती हूँ, मैं बहुत ही अफोर्डेबल में फिटमी का ले रही हूँ। शेड नंबर 230 है और ये रहा ये लैक्मी का परफेक्ट लिक्विड फाउंडेशन। सो ये ऑल स्किन टाइप को सूट करेगा, और ये जो है ये आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा ऑयली है तो आप इसे ज़रूर लीजिए। खैर ये भी मैट है, आप इसे भी यूज़ कर सकते हैं अफोर्डेबल में। ये अगर आपकी स्किन जो है ड्राई है तो आप ये लगाइए। इसमें है ब्लर परफेक्ट लैक्मी एब्सोल्यूट का लगाइए, क्योंकि ये जो है ये ड्राई स्किन को सूट करती है, क्योंकि इसमें क्रीमी टेस्टर है। और अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप ये ब्लू हेवन का लगाइए, क्योंकि ये जेल बेस है, ऑयल नहीं छोड़ता, ड्राई होता है। सो मेरी थोड़ी नॉर्मल स्किन है और मुझे थोड़ा ग्लोई मेकअप अच्छा लगता है, सो मैं ये लगा रही हूँ। जा तुम दोनों जाओ, चल जाओ। यहाँ मैं ले रही हूँ फिटमी का। आप चाहें तो आपको दो और ऑप्शन दे सकती हूँ, मैं बहुत ही अफोर्डेबल में फिटमी का ले रही हूँ। शेड नंबर 230 है और ये रहा ये लैक्मी का परफेक्ट लिक्विड फाउंडेशन। सो ये ऑल यहाँ तो मैं ये वाले लगा रही हूँ, मुझे ये बहुत ही परफेक्ट लगता है। जो है मेकअप जो है ना मैटी हो जाता है, और इसके बाद जो है ये काफ़ी जो है फिक्स रहता है, जैसे आपको ये ब्लैक नहीं होने देगा आपके फेस को। फाउंडेशन लगाने के बाद कई बार स्किन जो है ब्लैक हो जाती है, तो इसलिए ये सही रहता है। उसके बाद 7-8 घंटे बाद ये ऑक्सीडाइज होने लग जाता है। कंसीलर सारे स्विस ब्यूटी का कंसीलर बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि काफ़ी अफोर्डेबल लगता है मुझे। और मेरे पास जो है यूज़ किया है गाइस, ये मतलब कई बार मैंने यूज़ कर लिया, ये मेरा तीसरी बोतल है और मैंने गलती से दूसरी बोतल। लगा लेना है बिकॉज क्योंकि ये जो है ड्राई हो जाता है जल्दी क्विकली। सो आप इसको मिक्स मैच करके लगा लीजिए, ये देखिए, और बहुत ही क्विक रिजल्ट दे देता है और काफ़ी अच्छा है, कम है। ये मेरे बिल्कुल ब्लेंडर कैसे हाउ टू यूज ब्यूटी ब्लेंडर है ये पूरा, ये देखिए कॉम्पैक्ट लगा सकते हैं यहाँ पे, लेकिन मैं जो है लैक्मी का है तो मैं थोड़ा बहुत लगा के इसको स्किप कर दूंगी। या ब्यूटी ब्लेंडर से लगाएंगे तो काफ़ी अच्छा इफेक्ट आता है, स्मूथ हो जाता है, आप लगा सकते हैं। यहाँ पे मैं काजल लगा रही हूँ जो कि मार्क्स का है। आप इसका रिव्यू देखना चाहते हैं तो कमेंट करना, काफ़ी अच्छा है। ग्लोई मेकअप करना चाहती हूँ, सॉफ्ट पिंक टच कह सकते हैं या ब्राउन टच। तो यहाँ पे मैंने लिया है ये हिलारी होडा का शेड नंबर 1 आई शेडो पैलेट है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा पिंक ये वाला रोजी कलर सा है, कुछ ऑनियन कलर जो होता है। फिर क्या करेंगे हम, बस
इसको कट क्रीज पे लगा लेंगे। आई थिंक पूरे राउंड पे अपनी आई लगा है, थोड़ा सा नेवी ब्लू में है तो मैं ये आई लाइनर यूज़ कर रही हूँ। वैसे आप ब्लैक कलर का आई लाइनर कोई भी यूज़ कर सकते हैं, मेरे पास 4-5 हैं। आप कहोगे तो मैं उस पर रिव्यू कर दूँगी, दिखा दूँगी। सो ये मेरे पास लैक्मी का है, तो मैं मीडियम साइज में आईलाइनर लगाऊंगी, ना मोटा ना हिलारी होड़ा का जरूर ले रहा है ना आईब्रो हिलारी होड़ा का, क्योंकि इसमें 3 शेड मिलते हैं और इतना अफोर्डेबल है। अब आपको 150-130 में मिल ही जाएगा गाइस। मैं यहाँ ले रही मस्कारा, मेरे पास इनसाइड का भी है। मुझे ये अफोर्डेबल लगा तो मैंने खरीद लिया था, परचेज कर लिया था और ये काफ़ी अच्छा है। अगर आप गाइस, मैंने 2 शेड पिक किए हैं, एक है इनसाइड का जॉय वाला 1 नंबर जॉय फुल, वो मैं पहले लगा के दिखाती हूँ, आप बताना मुझे कौन सा शेड ज़्यादा अच्छा लगेगा मेरे ऊपर। अब ये सेकंड शेड है, ये है LA18 लिक्विड लिप कलर, ये पिंक शेड का है और LA18 का है, पिंक शेड का है, पिंक नी R53 रहु, चेंज करके आती हूँ फिर मिलते हैं हम। मेरा मेकअप इतना ही कंप्लीट हो गया, मैं इससे ज़्यादा नहीं कर रही। सो हो आई होप यू गाइस ये मेकअप आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, तो जल्दी से चैनल को लाइक और शेयर और सपोर्ट मी गाइस, सब्सक्राइब भी कर लेना ताकि मेरी दूसरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सो गाइस वीडियो आई होप फुल ये वीडियो आपको लाइक इट शेयर सब्सक्राइब सपोर्ट मी गाइस, आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी।